थंबनेल कितना इम्पोर्टेंट है एक वीडियो के लिए, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इसी से आपका CTR यानी कि क्लिक थ्रू रेट यानी कि इंक्रीज, अपना व्यूज इंक्रीज हो सकता है आपका, और आपकी वीडियो भी वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नमस्कार, स्वागत करता है शशि द एंटरटेनर, एंटरटेनमेंट का खजाना। और मैं आपको आज बताने वाला हूँ थंबनेल आप कैसे बनाएंगे प्रोफेशनली वाला, ताकि आपके जो वीडियोस में जो व्यूज हैं और उसके जो इंक्रीज हो सके और इसका CTR भी अच्छा हो सके, ताकि जो देखे एक बार में क्लिक कर दे और आपके व्यूज भी हो जाए, जैसे कि मेरे हुआ है। सीरियसली मेरा हुआ है। तो मैं जो ऐप यूज करता हूँ वो है कैनवा, और दूसरा और एक ऐप है जो मैं यूज करता हूँ वो है थंबनेल मेकर। ये दो ऐप है। थंबनेल मेकर की एक छोटी सी प्रॉब्लम ये कि उसमें बहुत ज्यादा ऐड आते हैं, मगर कैनवा एक बहुत ही अच्छा, इजी टू यूज, इजी टू हेल्प, बहुत ही आसान है, और काफी सारे ऑप्शंस भी मिलते हैं, काफी सारे टेम्पलेट्स भी उसमें मिलते हैं आपको, और थंबनेल मेकर में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो दोनों प्रोसेस कैसे बनाना है उसमें और कैसे फिट होना है बना के, वो कैसे डाउनलोड होगा, वो मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ आगे। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें, और हाँ लाइक भी कर दीजिएगा फटाफट करके। बताता हूँ कि मैं किस तरह से कैनवा से थंबनेल बनाता हूँ, ठीक है। इजी है, दोनों ही आप यूज कर सकते हैं, कैनवा भी यूज कर सकते हैं और आप थंबनेल मेकर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर आपको लिखना है थंबनेल। अगर आप यहाँ पर सर्च बार में थंबनेल जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए YouTube थंबनेल आ गया, इसको क्लिक किया आपने। क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जिस बेसिस पे, जिस कंटेंट पे आपका आप बना रहे हैं उस कंटेंट के हिसाब से आप यहाँ पर टेम्पलेट्स को ले सकते हैं, काफी सारे टेम्पलेट्स यहाँ पर। चलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर से कोई भी एक बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, मैंने आप ब्लैंक भी रख सकते हैं और आप टेम्पलेट भी ले सकते हो। तो यहाँ पर एक वाइट बैकग्राउंड आपका आ गया। अब आपके जैसे आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आ गया हाउ टू मेक YouTube थंबनेल। देखिए ये वाला आ गया, ये प्रो में है, आप इसको नहीं भी कर सकते क्योंकि ये आपका फ्री नहीं है, आप इसको नहीं ले सकते, लेकिन आप इसके हिसाब से आप डिजाइन बना सकते हैं, ठीक है। इसमें आप अपनी फोटो भी लगा के आप कर सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे आपको मिल रहे हैं ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे यहाँ पर। अब मैं गया, मैंने इसको मिनिमाइज किया, मैंने इसको आपका कलर में कर दिया, ब्लैक कलर में मैंने इसको कलर में कर दिया। अब मेरे पास कोई एक पिक्चर है, वो मैं एक पिक्चर यहाँ पर लगाता हूँ। आपको प्लस में जाना है, आपकी गैलरी में जो है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके आप यहाँ पर आपके जो भी फोटो, जैसे कि मेरी ये वाली फोटो है, मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया। अब ये वाली फोटो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब देखिए ये वाली फोटो इसमें ऐड हो गई है, ठीक है ना, अभी वाली फोटो इसमें ऐड हो गई है। अब इसको ऐड होने का, अब इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। अब आपको लिखना है यहाँ पर, मैं आपको एडजस्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपने कर दिया, इसको आपने इन कर दिया, इसको आपने लंबा कर दिया, और इसको यहाँ थोड़ा सा कर दिया ताकि आपकी उंगली दिखाई दे, ये बना लिया आपने। अब आप चाहे तो इसको पूरा भी आप कर सकते हैं, ये देखिए ये आपने पूरा कर दिया। अब इसमें आपको यहाँ पर हेडिंग में लिखना है कुछ, तो आप सिंपली है प्लस आइकन में जाइएगा, यहाँ पर आपको एलिमेंट्स में पहले जाइएगा, आपको एलिमेंट्स आपको ऐड करने हैं यूट्यूब के हिसाब से। तो आपने यूट्यूब ले लिया, अब आपने इसको ले लिया, यहाँ पर बना दिया इस तरह से। इस तरह से बनाने के बाद यहाँ पर आपको अब लिखना है कुछ, अब आपको लिखना भी है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा सिंपली टेक्स्ट में जाऊँगा। आपको जो भी लेना है, सिंपल हेडिंग लेना है वो भी ले सकते हैं, आपको अगर इस तरह का लेना है चॉइसेबल आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं सिंपल वाला ले लेता हूँ, मैंने सिंपल वाला ले लेता हूँ, ऐड हेडिंग में चला गया। अब आपको यहाँ पर जाके लिखना है यूट्यूब, मैं लिख देता हूँ, पहले मेरे को लिखना है। आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ये देखिए यूट्यूब चैनल, इसको मैंने दोनों तरफ में कर दिया ताकि इस तरह से आए। अब इसको मैं ए में जाऊंगा, ए में आप यहाँ से कलर भी सेटअप कर सकते हैं, व्हाइट कर देना व्हाइट करिए, ब्लैक करना है ब्लैक करिए, जो आपको कलर आपको अच्छा लगे वो कलर, लेकिन मैं कलर चूज करूंगा आपके लिए रेड ब्लू येलो, ये अट्रैक्टिव कलर होते हैं जिससे आपका कैची होते हैं और लोग ज्यादातर इसको क्लिकेबल भी करते हैं। तो मैं यहाँ पर चला जाऊंगा, मैं इसको ले लूंगा व्हाइट पे, मैं इसको व्हाइट पे ले लिया। अब इसको मैं करूंगा बड़ा छोटा, तो आप फ्रंट के साइज से भी आप कर सकते हैं, ये देखिए इसको आपने कर दिया, यहाँ पर लिख दिया यूट्यूब चैनल, ये आपने इधर में कर दिया। इधर में करने के बाद अब आप फॉन्ट साइज में जाइएगा, आपको कौन सा डिजाइन चाहिए, देखिए ये आ जाएगा सर्कल नेट का, ये देखिए ये बेस्ट है, ये मैंने ले लिया। लेकिन यहाँ पर क्या, मेरा बैकग्राउंड जिस तरह से है उस तरह से ये ब्लैक व्हाइट में अच्छा नहीं लगा, तो मैंने ब्लैक ले लिया। आप इसको ब्लैक में ले लो, या फिर आप इसको येलो में भी ले सकते हैं, ब्लू में भी कर सकते हैं। ब्लू देख लीजिए कैसा लगेगा, नहीं अच्छा लग रहा है, येलो ये देख लीजिए, येलो देख लीजिए, व्हाइट व्हाइट फिर भी सही लग रहा है, ठीक है, ये हो गया इधर में। और अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है, आप उसको बैकग्राउंड को कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये देखिए ये यहाँ पर आ गया। अब आप अपने यहाँ पर फोटो लगा दीजिए, वो अगर फोटो आपको दोबारा लगानी है आप वो फोटो लगा सकते हैं। फिर से कैसे करना पड़ेगा, आपको गैलरी में जाना पड़ेगा, गैलरी में जाके आप यही वाली फोटो को आप ऐड पेज कर दीजिए, ये आ गया। अब आप इसको बैक कर दीजिए और इसको सेटअप करके आप इसको यहाँ लगा दीजिए। जब आपने इसको सेटअप कर लिया, अब आपका यहाँ पर ये दिखा रहा है, ये देखिए इसको छोटा कर दिया ताकि आपके पास दिखने की जगह हो जाए। इसको मैंने
ऊपर में कर दिया, ये देखिए चैनल के बीच में मैंने गैप दे दिया, अब ये YouTube चैनल, अब ये हमने कर दिया, इसको मैंने बड़ा कर दिया, अब बड़ा जैसे ही मैंने कर दिया अब इसको आप इसको यहाँ पर भी रह सकते हैं। YouTube चैनल इस तरह से आपने कर दिया, आप इसको इस तरह से करना है तो नहीं, छोटा कर दिया, छोटा लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। और या फिर इसको अगर आपको अलग से करना है थोड़ा टाइम लगता है, ये देखिए ये पूरा बन गया, ये आपने यहाँ बना दिया YouTube चैनल, इसको मैंने छोटा कर दिया, इसको बंद कर दिया, ये देखिए ये पूरा बन गया। अब आपको यहाँ पर लिखना है हाउ टू क्रिएट, तब आपको हाउ टू क्रिएट लिखना, फिर से आप वो कर सकते हैं हाउ टू मेक, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा पेंसिल पे, पेंसिल पे जाइएगा, फिर हेडिंग पे जाइए, यहाँ पर लिख दीजिए हाउ टू क्रिएट, हाउ टू क्रिएट। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हाउ टू क्रिएट है इसको मैं अलग कलर में करूँ, जैसे कि मैंने आपको कहा कैची कलर, आप ब्लू में कर सकते हैं या फिर आप येलो में भी कर सकते हैं। अब आप येलो में कर दिए हैं, मैंने ओके कर दिया, अब इसको मैं फ्रंट साइड लूँगा, इसको मैं बड़ा करूँगा, ये देखिए ये मैंने कर दिया, इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं आप, मैंने इसलिए आपको आपके सामने करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ईजी रहे बनाने में। हाउ टू क्रिएट, अब हाउ टू क्रिएट अपने लिए लिखूंगा यहाँ पर थंबनेल, ठीक है, मैंने थंबनेल लिखूंगा यहाँ पर, फिर से मैं हेडिंग में जाऊँगा यहाँ से, यह ले लिया मैंने हेडिंग, अब इस हेडिंग को यहाँ पर मैंने दोबारा लिख दिया थंबनेल। अब इस चाहता हूँ कि ये किस और कलर में लिखूँ मैं, जैसे कि मैंने कहा इसको मैंने ले लिया ब्लू में, अब मैं इसको करूँगा बड़ा ताकि ये आई कैची लगे और अच्छा भी लगे। तो देखिए YouTube चैनल हाउ टू क्रिएट थंबनेल यहाँ पर आ गया। अब इसके अलावा आप और भी इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे सब्सक्राइब का बटन ऐड करने के लिए आप प्लस में जाइएगा, एलिमेंट्स में जाइएगा, आपको YouTube के बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी, आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने सब्सक्राइब वाला बटन लिया था तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको इसमें मिल जाते हैं, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। और ये है आपका सेव वाला आइकन, इसको प्रेस करिएगा तो ये सेव हो जाएगा, डाउनलोड करिएगा डाउनलोड हो जाएगा। तो ये था आपका, इस तरह से आप थंबनेल बना सकते हैं प्रोफेशनली वाला फ्रॉम कैनवा, कैनवा में तो हो गया। अब इसके बाद आपका आता है थंबनेल मेकर, थंबनेल मेकर से भी आप बना सकते हैं, इसमें एक प्रॉब्लम है ज़्यादा ऐड आता है, ज़्यादा ऐड आता है, देखिए ऐड चल रहा है, तो मैं थंबनेल मेकर में जाऊँगा, थंबनेल मेकर में जाने के बाद मैं यहाँ से आप कस्टमर भी क्लिक करके अपना खुद का बना सकते हैं, या फिर आप टेम्पलेट्स में जाके यहाँ से भी आप कोई भी डिजाइन ले सकते हैं। देखिए ऊपर में लिखा हुआ है गेम ब्लॉग वीएस एनिमेशन मेकअप नेम, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको गेम्स का एक बना के दिखा देता हूँ, कोई भी गेम का आपने ले लिया, सपोज इसमें ऑलरेडी बना हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, ये देखिए ये जिस बना हुआ है इसको आपने ले लिया, यहाँ पर ये आ गया ऐड आ गया, ऐड का ही प्रॉब्लम है, आपने स्किप कर दिया, इसमें ऐड ज़्यादा आता है। अब देखिए जैसे होल्ड ऑन आ गया, अब ये यहाँ पर आ जाएगा, तो आप संग संग इसमें आप ये भी बना सकते हैं, इट्स वेरी इजी, आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, एवरीथिंग आप इसमें कर सकते हैं, इसमें डिजाइन आपको काफ़ी सारे मिलेंगे, बात यहाँ पर बहुत सारे डिजाइन मिलेंगे। और जैसे ही आपने गेम्स वाला आपने खोला, देखिए ऊपर में आ गया GTA आ गया, स्क्विड गेम आ गया, फ्री फायर आ गया, जिस टाइप का आपका गेमिंग का चैनल है या फिर गेमिंग का टॉपिक है आप उस हिसाब से दे सकते हैं। देखिए जैसे ये GT5 का आ गया, ये पूरा बन गया, अब आप इसको यहाँ पर कुछ अगर आपको लिखना है आप नियॉन से भी देखिए, ये देखिए नियॉन से लिख सकते हैं, आपको टेक्स्ट ऐड करना है यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, आपको स्टिकर लगाना है स्टिकर आप लगा सकते हैं, आपको इफेक्ट करना आप इफेक्ट में जा सकते हैं, बैकग्राउंड लगा सकते हैं, कुछ भी आप इसमें, ये देखिए इसमें आप इसको ऐड कर सकते हैं, एडिट में आप जाके एडिट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये देखिए छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, तो हर चीज आप इसमें कर सकते हो। सेव करने के लिए सीधा सेव यहां पर आ जाएगा, इसमें आपका सेव आ जाएगा डायरेक्ट इस तरह से, इसको आप जब करिएगा बस इसमें आएगा ये लोगो मेकर आएगा, लोगो मेकर को आपको इसको आपको वाटरमार्क को हटाने के लिए जस्ट क्लिक करिएगा, एक वीडियो आएगा, वीडियो प्ले होगा और आपका ये जो थंबनेल है वो आपके सेव हो जाएगा, सेव बटन क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दो प्रोसेस हैं, जो दो ऐप हैं जो मैं यूज करता हूं, जिसे आप थंबनेल इजीली बना सकते हैं और प्रोफेशनली वाला बना सकते हैं। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कमेंट में जरूर बताइएगा कि किस तरह से लगा वीडियो आपको और क्या इसमें चेंजेस करने चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो मुझे इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।